बांग्लादेश में चल रहे हिंसक आंदोलन इतना ज़्यादा उग्र हो गया था कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को भी अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। स्थिति यहाँ पर इतनी ज़्यादा अनियंत्रित हो चुकी थी कि यहाँ पर रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा गया। तो इस वीडियो में हम लोग चलते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका शहर में और जानते हैं क्या है वहाँ की हिंदू टेम्पलों की स्थिति और क्या है वहाँ का माहौल। दो तीन आकर यहाँ पे कम से कम दो से 300 लोग, आप दो तीन लोग पुलिस आके क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है संजय सिंह, अभी मैं हूँ ढाका में। तो आज मेरा जो प्लान है वो यहाँ की जो लोकल जगहें हैं या जो प्लेसेस हैं वहाँ पर जाने का है। तो पहला मैंने जो चूज किया है वो है ढाकेश्वरी मंदिर। प्रदर्शनकारियों ने जो सबसे ज़्यादा हिंसा की है वो बांग्लादेश के सिर्फ ढाका में ही की है। पूरे बांग्लादेश में स्थिति लगभग सामान्य ही है अभी इस समय, और यहाँ पर भी ढाका में भी लगभग अब सामान्य हो चुकी है क्योंकि सरकार का गठन हो चुका है, अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। अभी यहाँ पर चुनाव होने हैं, उसके बाद में पूर्ण सरकार बनेगी जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। और ये जो आंदोलन किया गया था वो अधिकतर छात्रों के द्वारा किया गया था। तो अभी यहाँ पर जो एक बात मुझे दिखी है वो यह है कि सभी छात्र जिसने भी आंदोलन किए थे वो सभी अब पूरे ढाका की सफाई करने में लगे हुए हैं और उसे वापस से रिनोवेट करने में लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा अब अच्छा भी हो रहा है यहाँ पर। ढाका में अगर हिंदू मंदिरों की बात की जाए तो वह सामान्य है, यहाँ पर किसी भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। हालाँकि कुछ जो यहाँ के ढाका से बाहर के गाँव हैं या फिर शहर हैं वहाँ पर कुछ मंदिरों को ज़रूर नुकसान पहुँचाया गया है, पर अभी यहाँ पर सभी स्थिति सामान्य बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर सभी पुलिस कर्मियों को हटा दिया गया था। इसी वजह से आक्रमणकारी जो थे वो पूरे शहर में घूम रहे थे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट थे और जो लोकल नागरिक थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के हिंदू मंदिरों को कोई भी नुकसान हो। इसी वजह से यहाँ पर मंदिरों की जो भी, जैसे कि यहाँ पर नेशनल टेम्पल है ढाका का ढाकेश्वरी टेम्पल, वहाँ पर पूरी रात और दिन में उन्होंने पहरा दिया है। उसकी कुछ आपको तस्वीरें मैं आपको देता हूँ। यहाँ की जनता और स्टूडेंट का जो गुस्सा था वो शेख हसीना के लिए था और इसी वजह से उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि किसी भी तरह की ऐसा काम ना हो कि जिससे देश की छवि ख़राब हो। और इसी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने पहरा दिया है पूरे टाइम पर और मंदिर को सुरक्षित रखा है। हालाँकि अभी मंदिर खोल दिया गया है तो आज हम उसी मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ढाकेश्वरी मंदिर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ढाकेश्वरी मंदिर, जो कि ढाका का एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यह एक नेशनल मंदिर भी है। इसी वजह से इसकी जो सुरक्षा का दायित्व है वो बांग्लादेश गवर्नमेंट के हाथों होता है। और अभी आपको यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी समय से बंद चल रहा था, करीबन 4-5 दिनों से, जब से हिंसा हुई थी तभी से यह बंद है। तो मंदिर के अंदर पहुँचते ही हमें सबसे पहले यह बड़ा सा पंडाल दिखता है जहाँ पर नवदुर्गाओं के समय में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और यहाँ पर नवदुर्गा का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सामने आप देख सकते हैं कि हमारी दुर्गा माता जी विराजित हैं। माँ दुर्गा देवी के सामने और भी भगवानों की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जैसे कि गणपति बप्पा जी हमारे विराजित हैं यहाँ पर, कृष्ण भगवान जी विराजित हैं, इस तरह के और भी यहाँ पर देवी देवता विराजित हैं। बांग्लादेश की जो कुल आबादी है उसका करीबन 10% हिंदू आबादी है और 1971 से पहले ये जो आप स्थान देख रहे हैं ढाकेश्वरी मंदिर, इसको एज ए छावनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और जो यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं उनके अंदर गोले बारूदों को रखा जाता था। पर 1971 के बाद में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ उस समय यहाँ पर जो हिंदू आबादी थी, हिंदुओं की मांग पर यहाँ पर ढाकेश्वरी मंदिर का रिनोवेट किया गया और इसे वापस से तैयार करवाया गया। तो यहाँ पर इस तरह के आप देख सकते हैं कि मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे इस तरह के मंदिर बने हुए हैं जो पहले बिल्कुल ही टूट फूट गए थे, पर यहाँ की जो बांग्लादेश सरकार है उनको वापस से इनको रिनोवेट करवाना पड़ा था। और अंदर देखते हैं कि शिवलिंग स्थापित हैं। बाकी यहाँ के जो मेन मंदिर है, जो गर्भ गुफा है, वह अभी बंद है तो उसका मैं दर्शन नहीं करवा सकता हूँ। तो इस तरह से अभी यहाँ पर मंदिरों की हालत, यहाँ ढाकेश्वरी मंदिर में जितने भी मठ बने हुए हैं इस तरह के, इन सभी में ताला डला हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से। तो इन सबका दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलते हैं इस्कॉन मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस इस्कॉन मंदिर है। ढाकेश्वरी टेम्पल से राधाकांत टेम्पल, जो कि इस्कॉन टेम्पल है, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं था, मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो मैंने सोचा कि चलो इस यात्रा को पैदल चल के ही पूर्ण किया जाए और इसी बहाने से बांग्लादेश का अभी का जो माहौल है उसको भी भापने को मिल जाएगा।
तो देख सकते हैं कि यहाँ पर यातायात को अब चालू कर दिया गया है, सुचारू रूप से चलने लग गया है। और बांग्लादेश एक बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ होती है। तो इन्हीं भीड़भाड़ों को पार करते हुए तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं राधाकांत इस्कॉन टेम्पल। और ये थोड़ा मार्केट से अंदर बना हुआ है, गलियों से होते हुए अंदर आना होता है और थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पर पहुँचना, पर आप आ सकते हो गूगल मैप की सहायता से। यह मंदिर 3 मंजिलों में बना हुआ है और बीच की मंजिल में भगवान को यहाँ पर विराजित किया गया है, नीचे की मंजिल में भगवान को नहीं विराजित किया गया है। इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि यहाँ पर कुछ महीने पहले, होली से पहले, यहाँ पर कुछ आक्रमणकारी आ जाते हैं और यहाँ पर मंदिर में घुसकर तोड़ाफोड़ी करते हैं और यहाँ के जो साधु संत होते हैं उनके साथ में मारपीट करते हैं। इसमें बहुत ही दुखद ये घटना हुई थी और आपने शायद न्यूज़ में भी इस तरह की घटना सुनी होगी। तो उस घटना की और अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं इस्कॉन की जो बुक स्टोर है यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर जो प्रभु जी हैं जो कि बुक स्टोर को चलाते हैं, वो जो साक्षी हैं बिल्कुल उनके सामने ही सारी घटना हुई थी, तो उनसे जाके पूरा विवरण लेते हैं कि किस तरह की यहाँ पर घटना हुई थी और किस तरह से यहाँ पर साधु और जो भी यहाँ पर लोग रह रहे थे उनके साथ में मारपीट की थी, जिसमें करीबन 3 से 4 जो यहाँ के डिवोटी थे उनको बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोटें आई हुई थी। तो अभी टेंपल में ही हूँ मैं और ये वही टेंपल है जहाँ पर कुछ समय पहले विवाद हो गया था। अभी मैं भैया से बात कर रहा था, ये प्रभु जी हैं, तो इनसे मैंने बात करी कि कैसा क्या हुआ था, तो बता रहे थे तो क्या हुआ था एक्चुअली यहाँ पे। यहाँ पर हुआ था क्या, अचानक रात में वो लोग हमारा दयाल मतलब वाल तोड़ना शुरू कर दिया, तो हमको पता नहीं था कब क्यों किस लिए। पहले हमारा एक साधु हमको कह रहे कि भैया जी देखिए तो उधर क्या वो लोग तोड़ फोड़ कर रहे, तो हमको समझ आया कि हमारा यहाँ का सिटी कॉरपोरेशन के लोग हैं, शायद वो लोग कोई काम वगैरह कर रहे। तो मैंने क्या किया, वाइट ड्रेस, हमारा जो ड्रेस होता है वाइट ड्रेस, तो मैंने वो ड्रेस पहन के चला गया उनके अंदर जाके उन लोगों को पूछ रहे। मैंने देखा सब लोग गाड़ी टोपी पहन के लोग खड़े, किसी के मैंने कुछ कुछ लोगों के हाथ में यह भी है मतलब क्या कहते हैं लाठी वगैरह वगैरह जो भी है वो सब थे। तो मैंने समझा शायद वो लोग सिटी कॉरपोरेशन से हैं, तो मैंने पूछा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक ने बोला इसको पकड़ के इसको घुसा। तो मैं तो शौक था गया, क्या बात है यार, ये लोग क्या कह रहे हैं, इसको पकड़ घुसा मतलब क्या। मैंने तो मतलब समझ गए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो मैंने समझकर कुछ बातें नहीं कहा, उन लोगों के रिएक्शन नहीं किए, मैंने चुपचाप उधर से निकल के चला। बाद में जब मैंने हमारा जो प्रेसिडेंट प्रभु है उनको मैंने बताया कि प्रभु जी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो लोग हमारे वाल को तोड़े, तब उन्होंने जब देखा तब उन्होंने समझ गया कि जो हमारे उस वाल के पास कुछ हमारा यह लैंड है जो उन लोगों को कब्जे में है, तो उन लोगों ने चाहा कि जो लोग उनके कब्जे में है लैंड हमारे है, उसके साथ जो वाल उन लोगों ने मैंने तोड़ना शुरू किया उस लैंड को भी उन लोग अपने कब्जे में लेने के लिए आए थे उस दिन। तो प्रभु ने समझ गए, उन्होंने समझने के बाद तब पुलिस को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, लेकिन पुलिस ऑलरेडी उनके हाथ में थे, उन लोगों ने पैसा वैसा खिलाकर तो उन लोगों ने हाथ में ले लिया, तो पुलिस कोई कॉल नहीं रिसीव कर रहे। तो हमारे कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस चालू हुआ 999, तब हमारा प्लान आया कि हम लोग 999 में ऑब्जेक्शन करेंगे। तब मैंने बोला कि प्रभु जी आप 999 में कॉल करके देखिए क्या होता है। जब हमने 999 में कॉल किया तब जाके 999 के कॉल पाने के बाद शायद उन लोगों को समझ आया कि उन लोगों ने तो 999 में कॉल किया, आप हमको रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो तब उन लोगों ने हमारा कि थाना पास में ही है, लेकिन उन लोगों ने मैंने रिस्पॉन्स करने के लिए सोचा ही नहीं। तो जब 999 में कॉल किया इसके बाद उन लोगों ने रिसीव किया हमारे कॉल, रिसीव करने के बाद वो लोग कह रहे कि क्या हुआ, हम लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ पर तोड़ फोड़ हो रहा है, आप लोग आइए हमारे मंदिर में तोड़ फोड़। तो उन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने हमको पेपर दिखाए
पेपर में उन लोगों को वो जो जगह तोड़फोड़ हो रहा है वो अपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो उनके अपनी जगह है, उन लोगों ने हमको पेपर दिखाए तो हमको, हमने बोला नहीं आप लोग इधर आइए, आइए इधर आके देखिए किसके पास ओरिजिनल पेपर्स है, ओरिजिनली ये लेंच किसके है। तो उन लोगों ने कहा ठीक है हम भेज रहे, लोग भेज रहे, लेकिन असलियत में झूठा, उन लोगों ने कोई लोग भेजे ही नहीं। दूसरी बार हमने जब फिर से कॉल किया उन लोगों को, उन लोगों ने बोला कि हमने लोग भेजा, हमारे लोग वहाँ पे गए जाके देखा कि उन लोगों ने उसका उन लोगों का कंस्ट्रक्शन जारी रखा, आप लोगों का तो कुछ नहीं। तो हमने बोला कब कहा आप लोग, कब कहा है हमारे तो नज़र नहीं आया आप लोगों को, आप पुलिस है आप तो यूनिफॉर्म पहन के ही आएंगे ना, आप लोग माने किसी को हमने तो नहीं दिखा इधर। तब उन लोगों ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। इसके बाद हमारे प्रभु जी, जबकि हम लोग सीनियर्स, बहुत सीनियर्स लोगों से हमारे कॉन्टैक्ट है, इसलिए हम लोग डीसी के पास कॉल दिए, डीसी ने रिसीव नहीं किया। इसके बाद प्रभु जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के कुछ लोग हैं तो उन लोगों को शायद, मुझे पता नहीं, शायद उन लोगों को भी कॉन्टैक्ट किया कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम बार बार पुलिस को कॉल कर रहे हैं लेकिन पुलिस कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। इसके बाद शायद उन लोगों को प्रेशर आया कि आप लोग क्यों नहीं देख रहे। इसके बाद जब प्रभु उसको उन लोगों को कल कॉल किया, इसके बाद वो लोग आए तब भी कितने, दो तीन आकर यहाँ पे कम से कम दो से तीन सौ लोग। आप दो तीन लोग पुलिस आके क्या कर सकते, कुछ कर सकते नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग दो तीन आके इधर खड़े होके बोल रहे हैं इधर क्या चल रहा है। तो हम लोग जो भी हो दो तीन ही हो, लेकिन पुलिस तो है ना, तो हमने समझा शायद ये लोग कुछ कह सकते हैं लोग, लेकिन नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये लोग तो अपने काम कर रहे हैं, ये लोग तो उनके पेपर्स उन्होंने हमको हमारा डीसी साहब को दिखाए, ये लोग तो लीगल है। तब भी ये लोग इधर आके भी ये सब बातें कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे जगह है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, नहीं ये तो उनकी, उन्होंने पेपर शो किए उनकी किया है। और ये जो मंदिर है वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो भैया को थोड़ी सी, प्रभु जी को थोड़ी सी हिंदी कम आती है पर अच्छा एक्सप्लेन किया है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और यही वो राधाकांत इस्कॉन टेम्पल है जो कि आप सामने देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा इस्कॉन टेम्पल ये बना हुआ है और इसके पीछे भी इस्कॉन की ही मंदिर की ज़मीन डली हुई है जिस पे बहुत ही ज़्यादा विवाद चलता है। और अभी हम लोग आ चुके हैं, मंदिर की पूजा हो रही है, संध्या आरती हो रही है, तो आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर, राधा कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं। और ये दूसरे फ्लोर पर बना हुआ है और यहाँ दर्शन के लिए आप देख सकते हैं कि कोई भी भक्त लोग नहीं आए हुए हैं, सिर्फ वो पंडित जी ही यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंदुओं में डर बैठ गया है तो उसका सामना उनको करना पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने प्यारे मनमोहक हमारे कान्हा जी और राधा जी लग रहे हैं। पर अब बांग्लादेश में भी हिंदू एकजुट हो रहा है और यहाँ पर अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें काफ़ी हज़ारों की संख्याओं में हिंदू एकत्रित हुए थे और उन्होंने जो हमले हो रहे हैं हिंदू मंदिरों पर उनके बारे में आवाज़ उठाई थी और प्रोटेस्ट किया था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर भी होने लगी हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इसी तरह के आगे भी आपको और भी वीडियो